करिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। बाय टाटा गुड। हां हेल्पे बोलो कि मेरी मम्मी के का काम है। आपको वीडियो कैसा लगता है? तो हमको 25 गुड़िया मिल जाएंगे, सबको हम से मिलाएंगे। ठीक है, वीडियो में तो हर कोई है कि लोग जानता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं रूबी सिंह स्वागत करती हूँ आप सबको अपने न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आज मैं जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, ये मैं मॉर्निंग के रूटीन से ही स्टार्ट कर दी हूँ। जब मैं मॉर्निंग में सो के उठती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ, सो मैं आज आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं मॉर्निंग में उठने के साथ पहले तो मैं किचन में जाके एक साइड गर्म पानी रख देती हूँ बाबू के लिए उबलने के लिए, और बिल्कुल उसके बाद मैं ब्रश कर ली हूँ। और मैं ब्रश करने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड मेरा रखा हुआ है, तो एक साइड नेपुल है तो उसको मैं हटा दूँगी, और एक साइड है बाबू के लिए पानी उबालने के लिए रखी थी तो वो अभी उबल रहा है। और एक साइड मैं बना लूँगी अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो चाय पी चुके हैं और अब मैं बची हूँ तो मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। तो मैं भी अपने लिए चाय बना लेती हूँ, जब तक चाय बन रहा है तब तक मैं पीस लेती हूँ मसाला। आज मुझे बनाना है छोला, जो मटर जो काबली वाला काबली मटर जो होता है उसको मैं रात में डाल दी थी पानी में। हेलो फ्रेंड, आवाज़ भारी लग रहा है तो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए चाय पहले पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं आप लोगों से बातें। पानी पिए, चाय पी लिए, बाबू भी उठ गया है, दस उसका भी आवाज़ आ रहा है। पहले चाय पी लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं चाय पी ली हूँ और वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक साइड में रख दी हूँ कुकर गरम होने के लिए, और बाबू उठ गया था तो बाबू है अपनी दादी के पास और मैं उसके लिए दूध बना के दे दी हूँ। नेपुल तो मैं पहले ही उबाल करके रख दी थी, और बाबू के लिए पानी भी उबाल दी थी तो मैं उसको दे दी हूँ बाबू के लिए दूध बना के। तो बाबू पी रहा है दूध, और इधर मैं तब तक बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से सब्जी। सब्जी के लिए मैं यहाँ पे मसाला तो मेरा पहले भी पीस आ गया था मैं चाय पीने के पहले, तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता है क्या होता है, मेरे व्यू जो भी आते हैं उसके अनुसार लाइक भी नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे जब भी आ रहे हैं, वीडियो को अगर देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और ना ही वीडियो को शेयर करने के पैसे लगते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पर जो भी हो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार ये ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और पता नहीं मेरे चैनल पे क्या हो गया है कि मेरे वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है, तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, दो चार मिनट तो कम से कम, चार मिनट तो कम से कम देखिएगा, उसके बाद लाइक कमेंट कीजिएगा। या नहीं तो अगर क्या होता है कि कोई भी चैनल पे आए और आते ही अगर वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, तो पता है क्या होता है, वीडियो फिर वो रुक जाता है वहीं, उसका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, फिर वो वीडियो चलता नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ना किसी के भी वीडियो पर जाए, तीन मिनट चार मिनट पहले देख ले, उसके बाद ही
किसी के भी वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा। और आज मैं ये रूटीन आप सबके साथ इसलिए शेयर की हूँ मॉर्निंग से ही, ताकि आप सबको पता चले कि एक हाउसवाइफ को कितना काम होता है। और जबकि मैं वो पूरे काम जो होता है वो नहीं दिखा पाई हूँ, बहुत कम ऐसे काम है जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो इसमें ये सारे काम करने के बाद हम लोग कहीं जा एक ब्लॉग बनाते हैं और उस ब्लॉग को भी आप लोग अपना प्यार नहीं देते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हमें कितना बुरा लगता होगा। सो फ्रेंड, आप लोग एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए। सब कपड़ा पूछा था तो वो भी अब मैं धो चुकी हूँ, और बाकी कपड़ा धोने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से साफ़ एक बार कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरे मेड आती है ना काम करने, वो क्या करती है, कितना भी साफ़ कर लो वो जब झाड़ू पोछा कर लेगी ना, उसके बाद क्या करेगी, पोछा वाला जो गंदा पानी होता है वो सारे पानी वो वहाँ पर डाल के चली जाती है। उस वजह से क्या होता है ना कि टाइल्स जो है उस पर पूरा गंदा बैठ जाता है, तो मैं उसको एक बार ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ सारे काम करने के बाद, कपड़ा वपड़ा धोने के बाद। यहाँ पे देख सकती हैं मम्मी जा रही हैं कपड़ा सबको बाहर डालने, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती हूँ जल्दी, जब कहीं जाना होता है तो ही मैं बाहर निकलती हूँ। और यहाँ रितिका को देखिए, रितिका कैमरा लगाती है, अपना मस्ती स्टार्ट कर देती है, उसका पता चल जाता है, कैमरा चेक किए। और आज रितिका के दादाजी नहीं हैं, मतलब पापा आज नहीं गए हैं कहीं किसी काम से, तो उनके रूम में हम लोग बैठ के, वो सबसे आगे पड़ता है तो वहाँ से सारे बाहर तक दिखता है, तो हम लोग वहीं पर बैठ के कर रहे हैं अपना खाना पीना, खा रहे हैं मैं और मम्मी। तुलसी का दलिया खा चुकी है, दादी उसको खिलाती हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पे वॉइस ओवर करते समय मेरा फ़ैन चल रहा था, थोड़ा सा आवाज़ में आप लोग को दिक्कत होगा, तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बाबू सोया हुए हैं बगल में। अभी मैं जब वीडियो एडिटिंग करूँ ना तो बाबू सोया हुआ है बगल में, अगर वो उठ जाएगा फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैं रितिका को बोली कि देख लेना एक बार बाबू सोया है ना, तो वो जाकर उसको उठा दी है।